दुनिया भर में प्यार की बात की जाती है तो सबसे पहले हीर रांझा लैला मजनू के प्यार की मिसाल दी जाती है। इनकी जैसी ना जाने कितनी प्रेम कहानियां दुनिया में सांस लेती है और ना जाने कितने प्यार करने वाले अमर हो जाते हैं। इसी कहानी के साथ आज हम लेके आए हैं स्टार की प्रेम कहानी नहीं बल्कि बिहार के नेता तेजस्वी यादव की कहानी। आज हम आपको तेजस्वी यादव और रेचेल की लव स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। इनकी लव स्टोरी में प्यार, इमोशन और ड्रामा है। तेजस्वी यादव ने अपनी लव स्टोरी का खुद एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। तेजस्वी यादव ने बताया था कि वो स्कूल के समय में से ही रेचेल आयरिश उर्फ राजश्री यादव को जानते थे। वे दोनों दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ में पढ़ते थे। उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे स्कूल की दोस्ती प्यार में बदल गई जिसके बाद दोनों ने साल 2021 को में 8 दिसंबर को शादी कर ली और एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए। जीवन भर के लिए दोनों ने एक दूसरे को अपना हमसफर चुन लिया। रेचल क्रिश्चियन समाज से ताल्लुक़ रखती है। रेचल एयर होस्टेस की जॉब भी कर चुकी हैं। शादी के बाद राजश्री अभी तक पॉलिटिक्स में तो नहीं आई लेकिन काफ़ी सारे मौके पर तेजस्वी यादव के साथ नज़र आती रहती हैं। दोनों एक साथ काफ़ी प्यारे लगते हैं। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। तेजस्वी यादव के लिए भी रेचल से शादी करना आसान नहीं था। उन्हें भी अपनी लव स्टोरी पूरी करने में कई पापड़ बेलने पड़े थे। तेजस्वी एक बड़े राजनेता के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इंटर रिलीजन विवाह से लेकर उनके ही घर में कई लोगों को आपत्ति थी। उन्होंने इस बात का विरोध भी किया था। कहा जाता है कि लालू यादव और उनकी पत्नी खुद इस शादी के खिलाफ थे। हालांकि तेजस्वी ने सभी परेशानियों का सामना करते हुए अपने प्यार को पाने के लिए पापड़ बेले। अंत तक उन्होंने रेचल का हाथ नहीं छोड़ा और अचानक दिसंबर में दोनों की शादी की खबरें सामने आने लगी। जब शादी की खबर सामने आई तब लोगों को पता चला कि तेजस्वी की जिससे शादी हो रही है वो क्रिश्चियन है, जिसके बाद से कई तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। इन सब के बावजूद दोनों की शादी हुई और उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।